दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम ईटी पर। हमने लास्ट लेक्चर में एलिगेशन चैप्टर पढ़ा था जो कि अपना फिनिश हो गया था। आज अपन उसके आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है अपना औसत, एवरेज। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एवरेज, ठीक है। एवरेज मतलब क्या है? जब भी अपन एवरेज निकाल तो क्या करते हैं, जितनी भी अपन को संख्याएं दी हूँ सभी का अपन योग करेंगे, मतलब सभी को जोड़ेंगे, उसमें उतनी संख्या भाग दे जितनी वो संख्या है। मतलब टोटल जैसे पांच संख्या दी अपन को, 10, 20, 30, 40, 50, तो इन सबको अपन टोटल कर देंगे। और भाग कितने का देंगे, कितनी संख्या है अपन को, पांच संख्या दी तो पांच का अपन उसमें भाग देंगे। तो जो संख्या अपन को मिलेगी वो क्या हो जाएगी, उन सभी संख्याओं का एवरेज, मतलब उन सभी संख्या को बीच की एक संख्या मिलेगी जो उनका एवरेज होगी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एवरेज और निकालते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले 9 आमों का वजन 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45, 48 ग्राम हो, तो औसत वजन निकालना। पर औसत वजन निकालना सबके लिए फिट बैठी, ठीक है। तो औसत के लिए क्या करते हैं अपन लोग, एक फॉर्मूला है सीधा औसत का, सभी संख्याओं का योग, जितनी भी तुम्हें संख्या दी उन सभी का क्या करेंगे, योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक है। सभी संख्या हो गया तो क्या थी, क्या संख्या थी, 50 + 60 + 65 + 62 + 67 + 70 + 64 + 45 + 48। तो टोटल कितने का भाग देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, 9 से अपन भाग कर देंगे। अब इनको ऐड करेंगे, 8 + 13 + 17 + 7 = 24 + 26 + 5 = 31, 31 का 1 हासिल 3, 4 + 3 = 7, 4 = 11 और 6 = 17, 17 + 7 = 11 + 7 = 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 53 + 55 = 53, अपॉन 9, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 4 ज्यादा हो जाएंगे, 9 × 5 = 45, कितना बचेगा 8 और 9 × 81 51 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सब क्या है, अपन ने सबसे पहले क्या किया, सभी संख्याओं का योग किया, बचे भाग कितने का दिया, 9 का, क्योंकि संख्या अपनी कितनी थी 9, फिर उनको याद किया तो कितना आया अपना 531 और बटे में है अपना 9 से भाग दिया कितनी बार, 9 × 5 = 45, शेष कितना बचा 8, 8 और 1 क्या हो जाएगा 81, तो 9 × 81 9 × 81, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई, उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई, अपन को निकालना है। चार अलग अलग महीने की वर्षा थी, उस स्थान पर निकालना कि औसत कितनी वर्षा हुई पूरे चार महीनों में मिला के। तो औसत कैसे निकालेंगे अपन, कैसे निकलेगी, चारों महीने की अपन ऐड करेंगे जितनी भी संख्या, कितनी है 70 पहले में, जुलाई में 70 सेंटीमीटर, अगस्त में कितनी है 65 सेंटीमीटर, सितंबर में 55 सेंटीमीटर और अक्टूबर में 90 सेंटीमीटर, टोटल कितने हुए, 1, 2, 3, 4, भाग कितने का देंगे अपन 4 का, ऐड करो इन्हें, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 10, 10 की 0, हासिल 1, 9 × 1 = 10, 5 = 15 और 6 = 21, 7 = 28, 280 बचे हैं क्या है 4, 4 10 को कैंसिल करें कितना है 4 × 7 = 28, 0, 70 सेंटीमीटर, मतलब वहां पे औसत वर्षा कितनी हुई अपनी 70 सेंटीमीटर, लेकिन अलग अलग देखी जाए तो कितनी हुई, जुलाई में 70, अगस्त में 65, सितंबर 55 और अक्टूबर में 90, पर औसत कितना आया इनका 70, मतलब ओवरऑल 70 वर्षा हुई, ठीक है। अपन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अभी अपन ने क्या नॉर्मल क्वेश्चन की, डायर संख्या दी थी उन्हें जोड़ा और उनमें कुल संख्या का भाग दिया तो अपना औसत आ गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चन में क्या होगा कि कोई नया व्यक्ति किसी ग्रुप में शामिल हो जाएगा तो औसत में क्या होगी, कमी होगी या वृद्धि होगी, तो अपन को वो नए व्यक्ति की आयु निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालते, पहले तरीके से देखते हैं कैसे करेंगे इसको।
क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष, प्रत्येक 10 सदस्य है उनकी औसत आयु 30 वर्ष, टोटल कैसे निकलता है अपन क्या करते औसत बराबर योग बटे कुल संख्या, तो यहाँ से योग कितना निकलेगा औसत में कुल संख्या का अपन गुणा कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा योग मिल जाएगा, तो क्या 10 सदस्य की औसत आयु 30 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा उनका 10 गुणे 30 इंटू 300, ठीक है 10 इंटू 30 ठीक है, 10 सदस्य कुल आयु निकल आई। अब वो कहेगा उनके साथ कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु एक वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान को शामिल करेंगे लेकिन वो कप्तान की आयु नहीं पता, तो अपन ने कप्तान शामिल करने क्या करते हैं प्लस और कप्तान की आयु मान ली है, ठीक है कप्तान शामिल हो गया, कितने लोगों की टोटल आयु हो गई 11, 10 और 1 11, तो कितने से भाग देंगे पर 11 से, क्या हो गया 11 संख्याओं का औसत हो गया, 11 संख्याओं औसत पर वो क्या कह रहा है कर लेने पर औसत आयु एक बार बढ़ जाती, पहले औसत कितना था 30, एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 31, ठीक है इसको सॉल्व करेंगे 10 और 30 का गुणा 300 प्लस x बराबर 11 एकम 11 वहां से ले 11 33 ले 34 341, यहां से x की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी 41, ठीक है दोस्तों क्या किया अपन ने 10 सदस्यों की औसत आयु थी 10 गुणा 30 किया तो 300, फिर वो क्या कप्तान को शामिल कर लिया, शामिल के लिए करेंगे प्लस और कप्तान की आयु मान लेंगे एक्स, तो टोटल लोग कितने हुए 11, 11 का औसत कितना दिया उनने एक बढ़ जाता है, तो 30 से बढ़ के क्या हो जाएगा बराबर में 31, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को कप्तान की आयु मिल जाएगी, या फिर अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे फॉर्मूले द्वारा, उनने कहा नए व्यक्ति की आयु निकालनी है अपन को, नए व्यक्ति क्या नए व्यक्ति की आयु या नए व्यक्ति के बाद कुछ भी दिया हो तो मैं नए व्यक्ति कुछ भी निकालना, तो कहते हैं नए व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी नया औसत प्लस माइनस वृद्धि कमी इंटू पूर्व संख्या, ठीक प्लस माइनस वृद्धि कमी इंटू पूर्व संख्या, नए व्यक्ति की जब भी निकालने क्या करेंगे नया औसत रखेंगे प्लस माइनस वृद्धि कमी इंटू पूर्व, प्लस कब आएगा जब वृद्धि होगी और माइनस कब आएगा जब कमी होगी, रखेंगे नए व्यक्ति की आयु क्या है निकालनी है पर वो कप्तान है नया व्यक्ति उसकी आयु निकाल, नया औसत कितना हो जाएगा पहले औसत था 30 उसके आने के बाद एक वर्ष बढ़ जाता है, बढ़ने का मतलब क्या है 30 से क्या हो गया 31, यहाँ पे 31 अब वृद्धि हो रही तो प्लस वृद्धि कितने की हुई एक की, तो एक पहले संख्या कितनी थी 10 तो पूर्व संख्या 10 क्या हो गया 31 प्लस 10 बराबर 31, देखो दोनों से सेम आया, ये तरीके से कर सकते या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करने पर, ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला करें, एक बार तरीका आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं, नए व्यक्ति की आयु निकालनी है नए कर्मचारी की आयु, कर्मचारी की आयु फॉर्मूला क्या है अपना नया औसत प्लस माइनस वृद्धि कमी इंटू पूर्व संख्या, ठीक है नया औसत क्या है पहले क्या कह रहे हो 6 कर्मचारी औसत आयु 37 वर्ष है, लेकिन नया कर्मचारी आ जाएगा तो औसत आयु कितनी 2 वर्ष कम हो जाएगा, नया औसत कितना हो जाएगा 37 में 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है कमी के लिए क्या यूज करते हैं अपन माइनस, 2 वर्ष कम हो रहा तो कमी के लिए माइनस यूज करेंगे, कमी 2 है तो 2 पूर्व संख्या पहले संख्या कितनी थी 6 कर्मचारी थे पहले, नया आ जाएगा 7 जाने का लिखना कितना है यहाँ पुराने कर्मचारी तो 6 35 6 दूनी 12 माइनस करेंगे कुल 3 2 23 वर्ष, नए कर्मचारी की आयु मिल जाएगी अपन को 23 वर्ष, कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए अपन को प्लस यूज करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई, उस लड़के की आयु पर को निकालनी है, पिछले क्वेश्चन क्या करा एक व्यक्ति नया आ रहा था, अब इस क्वेश्चन में क्या है एक व्यक्ति जाएगा, तरीका तो अपना वही रहेगा जब जाएगा तो अपन क्या करेंगे माइनस, आ रहा तो अपन कर रहे थे प्लस ऊपर और बटे में भाग दे रहे थे नई संख्या से, लेकिन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे इसमें, ठीक है तरीका अपना वही रहेगा जब पहले क्वेश्चन में कर रहे थे उसमें प्लस था इसमें माइनस होगा, देखो फॉर्मूले से कैसे करें किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, फॉर्मूला क्या होगा क्या करना एक व्यक्ति जा रहा है तो जाने वाले व्यक्ति के अपन आयु या भार जो भी निकालना हो कैसे निकालेंगे, जाने
वाले व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी? जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी? जब जाने वाला तो अपन क्या लेंगे, वहां पे क्या ले रहे थे जब आ रहा था कोई, तो नया औसत, यहाँ पे क्या लेंगे पुराना औसत या पूर्व औसत, प्लस माइनस कमी वृद्धि इंटू नई संख्या। जस्ट उसका उल्लेख में क्या ले रहे थे, यहाँ पे नया औसत और वहां पे पुरानी संख्या, लेकिन जाने वाले में क्या लेंगे पुराना औसत और नई संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कमी के लिए प्लस का यूज करेंगे और वृद्धि के लिए माइनस का यूज करेंगे। देखते हैं क्या क्या, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा दिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई, पुराना औसत क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो कमी वाला नहीं, कमी के पहले कितना था, कितना था अपना 12 वर्ष, तो अपन लेंगे 12। ठीक है, कमी के लिए क्या करते इसमें प्लस का यूज, तो प्लस, और वृद्धि के लिए करेंगे माइनस का यूज, प्लस। कमी कितने की 0.2 की, 0.2 इंटू नई संख्या कितनी हो जाएगी, 20 लड़के थे कि औसत आयु 12 वर्ष थी, एक लड़का चला गया तो कितने बचेंगे 20 में से, 19, 19 का गुणा करें 19 दूनी 38, 3.8, इसमें ऐड करें कितना आ जाएगा 15.8 वर्ष। मतलब जो व्यक्ति गया है उसकी आयु कितनी थी 15.5 वर्ष। वैसे में ध्यान रखना है पुराना औसत लेना और नई संख्या, और कमी के लिए प्लस और वृद्धि के लिए माइनस का अपन यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सही, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु अपन को निकालनी है, निकालेंगे जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या है अपना फॉर्मूला, पुराना औसत प्लस माइनस कमी वृद्धि इंटू क्या है नई संख्या और वीडियो कॉल। ठीक है, पुराना औसत कितना हो जाएगा 28 वर्ष, 28 वर्ष दिया हमने, पुराना औसत कितना 28 वर्ष। अब क्या हो रही है इसमें, एक वर्ष बढ़ जाती है तो वृद्धि के लिए माइनस का यूज, वृद्धि एक की एक इंटू नई संख्या कितनी हो जाएगी, 10 व्यक्ति थे एक चला गया कितने बचे 9, 28 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 19, मतलब जो व्यक्ति नौकरी पे गया वो 19 वर्ष का है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, नए व्यक्ति का भार अपन को निकालना है। अपन क्या कर चुके हैं, अभी एक व्यक्ति आ रहा था तब अपन ने क्वेश्चन कर लिया, एक व्यक्ति चला गया तब क्वेश्चन कर लिया, अब क्या कर रहा है, एक व्यक्ति स्थान पर दूसरा व्यक्ति आएगा, मतलब एक जाएगा उसके स्थान पर अपन का दूसरा आ जाएगा, तो क्या है औसत भार बढ़ेगा घटेगा, तो अपन को निकालना है, किसी एक का दिया होगा जाने वाले का दिया होगा तो अपन को क्या आने वाले का निकालना हो, आने वाले का दिया होगा तो जाने वाले का अपन को भार निकालना हो। देखते हैं क्वेश्चन में किसका निकालना है, नए व्यक्ति का भार, मतलब जो आ रहा है उसका भार निकालना हो, किसका दिया है जो समूह से हट गया या चला गया उसका भार अपन को दिया है, तो कैसे निकालते हैं इसको, नए व्यक्ति का भार बराबर गए या जाने वाले या पुराने व्यक्ति का भार, कुछ भी हो सकता है, गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि कमी, ठीक है, इनटू कुल संख्या। इस फॉर्मूले का यूज करें, क्या है नए व्यक्ति का भार निकालना अपन को, तो क्या है नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि कमी इनटू कुल संख्या। कुल संख्या इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति आ रहा है एक व्यक्ति जा रहा है, मतलब समूह में व्यक्तियों की संख्या में चेंज हो गई नहीं, एक जाएगा 9 हो जाएंगे, एक आ जाएगा वापस 10 हो जाएगा, 10 का समूह है तो। ठीक है, इसमें वृद्धि कमी के लिए, वृद्धि के लिए हमेशा प्लस यूज करेंगे और कमी के लिए माइनस यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, नए व्यक्ति का भार अपन को नहीं पता निकालना है, ठीक है, वो क्या 10 व्यक्ति समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति लिया गया, 60 किलोग्राम हटा दिया मतलब वो चला गया, तो गए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा 60। अब क्या कह रहा है, एक औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया तो प्लस वृद्धि हो रही 1 की इंटू कुल संख्या कितनी, 10 व्यक्तियों का समूह था तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 10, 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा 70, मतलब जो नया व्यक्ति आया वो 70 का है, वो गया कितने का था
साल का, तो एक की वृद्धि हो गई थी। और तरीका क्या है, जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे, जो तरीका बताया था पहले क्वेश्चन में जब गया था व्यक्ति, उसी तरीके से कर लेंगे। अपन मान लेंगे 10 व्यक्तियों का औसत कितना है, एक्स है, तो 10x 60 की को माइनस कर देंगे, और वाई मान के अपन नए का व्यक्ति का वाई जोड़ देंगे, बराबर क्या कर देंगे, नया औसत हो जाएगा एक्स प्लस वन। सोल्व करेंगे तो अपन को एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया, नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। यानी क्या अपन को नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना, नए व्यक्ति का भार, फॉर्मूला क्या है, नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार, गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि कमी इनटू कुल संख्या। ठीक है, अब नए व्यक्ति का अपन को निकाल ले, गया कितने किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया, 80 किलोग्राम वाला, तो गए व्यक्ति का हो जाएगा 80 केजी। अब वो क्या, 3 किलोग्राम कम हो गए औसत भार, तो माइनस कमी का मान 3 इंटू कुल संख्या कितनी थी, 6 व्यक्तियों का समूह था, तो कुल संख्या हो जाएगी अपनी 6 80 माइनस 6 3 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएंगे 2, 7 में से 1 जाएगा 6 62 केजी बचेगा। जो नया व्यक्ति आया है वो 62 केजी का आया है। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक अपन को ज्ञात करना है। अभी अपन को एक व्यक्ति आ रहा था शामिल हो रहा, तो अपन उसकी आयु वगैरह निकाल दे रहे थे, लेकिन अब क्या, एक से ज्यादा लोग शामिल होंगे ग्रुप में, एक पहले से कोई ग्रुप में उसमें दूसरा ग्रुप शामिल हो जाएगा पूरा, अब एक व्यक्ति नहीं हुआ, एक से ज्यादा शामिल होंगे, तो अपन इसको फिर डायरेक्ट तरीके से करें, उसमें फॉर्मूला फॉर्मूला कब लगे, जब एक व्यक्ति की बात हो रही हो। अब कैसे करते हैं इसको देखें, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, टोटल कितना आएगा, छात्रों की संख्या गुणा प्राप्तांक से अपन कर देते, तो अपन को क्या मिल जाता है, टोटल संख्या 10 का गुणा 45 कितना है, 10 लोगों का टोटल नंबर मिल जाएगा, टोटल प्राप्त कितने प्राप्त किए, 10 ने मिलके कितना हो जाएगा, 10 × 45। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या करते हैं, 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो 15 का टोटल कितना हो जाएगा, 15 × 40 जी, 10 का टोटल हो गया, ये 15 का टोटल हो गया, वो क्या है, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक अपन को निकालना है, सभी छात्र कितने हो गए टोटल, 10 छात्र ये थे और 15 ये थे, टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 25, और टोटल 25 छात्रों का टोटल कैसे निकलेगा, इसको गुणा करेंगे तो इसको दोनों को क्या कर देंगे अपन, एड, तो टोटल का ये हो जाएगा, 10 छात्रों का योग ये 15 का ये हो गया, तो 25 का कितना हो जाएगा, इन दोनों को एड कर देंगे, भाग कितने का दे देंगे अपन लोग, 25 का, तो क्या आ जाएगा, सभी छात्रों का औसत, सभी छात्रों का औसत। एक बार समझ लेते हैं, क्या क्या, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, तो 10 का अपन को टोटल निकालना, क्या है, औसत से अपन लोग टोटल संख्या में गुणा कर देंगे, तो अपन को उनका योग मिल जाएगा, तो 10 का 45 गुणा किया, 10 × 45 हो गया, 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो 15 का टोटल निकालना, क्या करेंगे, 15 × 40। अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए अपने पास, छात्र 10 पहले थे और 15 और है, तो कितने टोटल, 25 हो गए, 25 टोटल स्टूडेंट हो गए, उनका टोटल नंबर कितने हो गए, 10 का टोटल प्लस 15 का टोटल, तो 25 का टोटल हो जाएगा, और 25 से अपन डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया, अपन का सभी छात्रों का औसत अपन को मिल गया। सॉल्व करते हैं इसको, 10 × 45 कितना होगा, 450, 15 × 60 600 बचे 25, इसको ऐड करेंगे, 450 और 600 कितना हो जाएगा, 10 50, 25 से भाग देंगे इसमें, 25 × 100 5 × 5 = 50, 25 × 2 = 50 42 औसत आ गया, सभी छात्रों कितने 42 प्राप्तांक कितना है, सभी छात्रों का औसत 42। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे 12 यात्रियों का औसत भार 60 केजी है, जबकि शेष 18 का 55 केजी है, सभी यात्रियों का औसत भार निकालना है, सभी का निकालना अपन को, फिर सेम ऐसे ही करेंगे, सभी यात्रियों का औसत भार क्या है, 12 यात्रियों कितना है 60, टोटल कितना निकलेगा 12 का, 12 × 60 प्लस 18 यात्रियों कितना है 55, तो 18 × 55 18 × 55 अपन को सभी का निकालना, कितने है 12 पहले थे और 18 जैसे कितने हो गए टोटल 30। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 12 × 6 72,
18 किसमें गुणा करें, 18 पंचे 90 की 0 हाँ से 9, 18 पंचे 90 और 9 99 ठीक है अपॉन 30 इनको ऐड करेंगे 0 से 0 9 और 2 11 की 1 हासिल 1 9 1 10 और 7 17 अपॉन 30 0 से 0 कैंसिल 3 से काटेंगे 3 5 15 2 बचा 30 आते 21 अपना औसत भाई कितना आएगा सभी यात्रियों का 57। आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।